अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिन अब्बास और आप देख रहे हैं 24x7 जो आप तक पहुंचाए सच्ची खबरें। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। दूर होंगे, मैं आज ऑन रिकॉर्ड आकर कहता हूं कि हर कोई कहता था कि सेक्रेटेरिएट की मस्जिदें नहीं बनेगी, लेकिन मजलिस को मेरे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को और मुझे यकीन था कि मस्जिदें बनेंगी और हमारा चीफ मिनिस्टर बनाएगा उस मस्जिदों को। हम जाकर मिले और मैं ये कहूंगा कि उन्होंने एक मिनट नहीं लिया, कहा कि नहीं जो भी हुआ गलत हुआ, मुझे अफसोस है इस बात का, मुझे अफसोस है और मुझे खराब दिखा, पूरे हालात बताए और बोले कि आप लोग कहां बनाना चाहते बन बोलिए। हमने कहा साहब हम जहां था वहीं बनाना चाहते हैं, तो चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा बिल्कुल बना लीजिए, जहां था वहीं बना लीजिए, जहां था वहीं बना लीजिए, गलती हुई मुझे अफसोस है, बयान दिया कहा बना लीजिए। फिर उसके बाद सीएम साहब ने कहा कि अकबर भाई देखिए एक मस्जिद इधर थी एक मस्जिद इधर थी, इसके बीच में जगह है, बीच में कुछ आना नहीं चाहिए, पूरी जमीन ले लीजिए। तो हम जानते हैं कि किसी को यकीन हो या ना हो, हमको यकीन है कि आप बराबर मुसलमानों के साथ इंसाफ करेंगे, हमारी आवाज पर आप सुनेंगे और जो सही है उसको कबूल करते हुए उसका अमल करेंगे। मैं समझता हूं जहां पे मस्जिद थी उसको गिराने का या कुछ डैमेज करने का किसी का मंशा नहीं था। मैं साफ बता रहा हूं, वहां एक टेम्पल भी था, इन चीजों को गिराना हमारा मंशा नहीं। मैं सबसे बड़ा भक्त हूं, भगवान को मानता हूं, ये दुनिया जानता है। एक भगवान को मानने वाला दूसरा भी मजहब का भगवान को मानता है, ये भी दुनिया जानता है। तो इसलिए जहां मस्जिदें थे दोनों मस्जिद फिर वहीं बराबर बनेंगे, ये मैं आश्वासन देता हूं। वही नहीं कुछ ज्यादा जमीन भी दे रहे हैं, दोनों मस्जिद के बीच में जो खाली जगह है वो भी वहां के इमाम साहब के लिए अलॉट करता हूं मैं और उसको वक्फ बोर्ड के हैंड ओवर कर देता हूं और जल्द से जल्द वो मस्जिद फिर बनेंगे इंशाल्लाह से, फर्स्ट क्लास बनेंगे। बाज़ाब्ता मैं आपको ये देता हूं और मंदिर भी बनेंगे। इस बीच में हमारे क्रिश्चियन भाई भी आए, सेक्रेटेरिएट है तो हमारे को बना के दो, हमारे लोग भी है, हम भी इबादत करते। मैंने कहा बिल्कुल भाई, क्रिश्चियन भाइयों के लिए एक चर्च बनेगा,